आधार कार्ड को लेकर बहुत बड़ी राहत की खबर है। जिन लोगों को लगता था कि उनके आधार कार्ड से उनकी निजी जानकारियां लीक हो सकती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। भारत सरकार ने एक नया नियम निकाला है जिसके तहत अगर हम UIDAI के साइट पर जाएंगे, जो 1 जून से लागू होगी, वर्चुअल आईडी कार्ड जो 1 दिन के लिए मान्य होगा, 1 जून से आप इसको टेस्टिंग के तौर पर, अभी प्राधिकरण ने इसको शुरुआत करी है इसकी। पहले हम आपको ये बता दें कि वर्चुअल आईडी कार्ड है क्या। वर्चुअल आईडी कार्ड ये है, पहले जैसे आधार कार्ड हमें बैंक खाते में या सिम लेने के लिए हर जगह हमें आधार कार्ड देना होता था, जिससे लोगों को लगता था कि कहीं उनकी जानकारियाँ लीक ना हो जाए या उनकी कोई पर्सनल चीज़ लीक ना हो जाए, इसके लिए वर्चुअल आईडी कार्ड बनाया गया। ये एक डिजिटल कार्ड है, एक नंबर होगा। UIDAI के साइट पर आप जाएंगे, जहाँ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहाँ पर आप जाके अपना आधार कार्ड डालने के बाद वहाँ आपको एक अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा, जहाँ OTP आपके मोबाइल पर आएगा, जिसके OTP के आने के बाद आपका VID आधार संख्या बन जाएगा। हम आपको ये भी बताते चलें कि ये वर्चुअल आईडी जो होगा ये 16 अंकों का होगा। इसमें उपभोक्ता की केवल कुछ ही जानकारियाँ होंगी, जैसे आधार कार्ड पर आपकी सारी जानकारियाँ होती है, तो वर्चुअल आईडी पे आपकी सिर्फ कुछ ही जानकारी होंगी और ये सिर्फ 1 दिन के लिए मान्य होगा। उसके बाद इससे फ़ायदा क्या होगा, वर्चुअल आईडी कार्ड से फ़ायदा ये होगा कि चाहे आपको बैंक खाता खुलवाना हो, चाहे आपको सिम लेना हो, या जहाँ जहाँ आप आधार को यूज़ करते हैं वहाँ आप ये VID यूज़ कर सकते हैं, VID कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ वर्चुअल आईडी कार्ड को आधार के विकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा है, क्योंकि लोग नहीं चाह रहे थे कि उनकी सारी जानकारियाँ और हर जगह आधार को दिखाना ज़रूरी नहीं समझते थे, तो एक विकल्प के तौर पर इसको दिया गया है। चूँकि ये एक अस्थाई नंबर है तो सिर्फ 1 दिन के लिए ही मान्य होगा और इस पे आप लोगों की जानकारी लीक होने की संभावना ना के बराबर रह जाएगी। अब कार्ड है जिसे आप UIDAI के ही पोर्टल पे जाके जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको OTP मोबाइल पे आपके OTP आएगा, OTP आने के बाद आप इसमें उस OTP को फिल करेंगे तो आपका अपना 1 दिन के लिए VID डिजिटल कार्ड यानी वर्चुअल आईडी कार्ड का नंबर बन के आपके मोबाइल पे आ जाएगा, जिसे आप कहीं भी ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसको रोज़ाना के तौर पर जनरेट करना चाहें तो उसका भी ऑप्शन आपको UIDAI पे मिल जाएगा। सबसे पहले आप UIDAI के होम पेज पर जाएं, आप गूगल पे जाएं और गूगल पे टाइप करें UIDAI, वहाँ आप जाके UIDAI पे जाके अपना आधार नंबर डालें, जहाँ पे अभी आपको 1 जून से यहाँ पे ऑप्शन दिखने लगेगा, 1 जून से आपको यहाँ ऑप्शन दिखने लगेगा वर्चुअल आईडी कार्ड का, वहाँ जाके आप अपना आधार नंबर डालें, उसके बाद अपने आधार नंबर के साथ सिक्योरिटी कोड डालें, मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP आने के बाद आपका वर्चुअल आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा। ये 16 अंकों का नंबर होगा और इससे आपको, जैसा हमने बताया पहले भी, कि हर एक चीज़, जहाँ चाहे वो मोबाइल का सिम खरीदना हो, चाहे वो आपको बैंक खाते में कहीं जमा कराना हो, आप उसे वर्चुअल आईडी के तौर पे जमा करा दिखा सकते हैं। बहरहाल हम आपको ये भी बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड पर फाइनल फैसला नहीं सुनाया है।